अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदफ हुसैन और मैं सभी ख़वातीन हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ चिंग्स देसी चाइनीज़ किचन में। आज हम बनाने वाले हैं देसी चाइनीज़ ट्रिपल शेज़वान फ्राइड राइस। सबसे पहले लें पत्ता गोभी, बहुत ही बारीक बिल्कुल उसको कसा हुआ है। इसको कसने के बाद हल्का सा इसका बिल्कुल पानी निचोड़ लें, बाहर कर दें, जितना हो सके उतना निचोड़ दें इसका पानी। ये 2 कप कसा हुआ पत्ता गोभी, ओके, जिंजर, कुछ हरी मिर्चियां, बेसन 1/4 कप और किचन की आन बान शान नमक, नमक स्वाद अनुसार। इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम अपने जो मंचूरियन बॉल हैं इनको मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मिल गया है, इसका बॉल भी बन जाएगा और जितना हो सके इसको गोल बनाएं। जैसे देख सकते हैं आप, एक जो गोली है वो तैयार हो चुकी है। ये हो गए हमारे मंचूरियन बॉल रेडी। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं तेज़ आंच पे ना हो, क्योंकि तेज़ आंच से क्या होता है कि इसके ऊपर का तो अच्छा सा सुनहरा कोटिंग आ जाएगा लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे तेल में इसको मंचूरियन बॉल्स को आप डालें। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम अपनी प्लेट को रेडी कर लें। एक प्लेट लें और टिश्यू पेपर, ताकि जो ज़्यादा तेल है वो टिश्यू पेपर सोख ले। राइट, जैसा ये देख सकते हैं आप, क्या प्यारा इसका रंग उभर के आया है, सुनहरा कलर। मंचूरियन बॉल्स रेडी। आप लेंगे एक सुंदर सा पैन, ओके, पैन में हम डालेंगे हमारे पास जो घर पे तेल होता है वो तेल डालिए इसमें 2 टेबल स्पून और थोड़ी देर के लिए इसको गर्म करें। इसको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे पैन पे आप फैला लें और इसका मसाला बनेगा हमारा तड़कते भड़कते लाजवाब से चिंग्स गोभी मंचूरियन मसाला से। तो काट के आप एक छोटे से बर्तन में जो आपके पास कटोरा है उसमें डालें। इसके अंदर डालें 250 ml पानी और तब तक मिलाएं जब तक इसकी गुठलियां जो हैं, लम्स जिनको बोलते हैं गुठलियां, वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए मसाला रेडी, तेल गर्म हो चुका है। इसके अंदर जाएंगे हमारे पास कटी हुई ताज़ी सब्जियां। इसको 1.5 से 2 मिनट तक पका लें ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रहे लेकिन ज़्यादा भी ना पक जाए। और हमने जो अभी अभी मसाला रखा था उसको इसके अंदर धीरे धीरे हल्के हाथ से छोड़ दें। जब तक ये पक रहा है मैं एक ख़ास बात बताता हूँ। ख़ास बात चिंग मसालों की है, इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें नमक भूल के भी डालें वरना नमक ज़्यादा हो जाएगा। हल्का से एक उबाल आ चुका है और हमने ये जो मंचूरियन बॉल बनाए थे इनको धीरे धीरे इसमें छोड़ें और वापस से बिल्कुल हल्के हाथ से इनको मिलाएं। हमारा जो देसी चाइनीज वेज मंचूरियन है वो अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आंच से हटा दें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम बनाएंगे राइस। इसमें वापस से 2 टेबलस्पून तेल गरम करें, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पैन पे फैला लें। इस गरम तेल में जाएगा हमारा महीन बारीक कटा हुआ सब्जी। इसमें हमारे पास बीन्स है, गाजर है, पत्ता गोभी है और प्याज है और ये है 2 कप। इसको वापस से पूरा नहीं पकाना है, कच्चा भी नहीं रखना है और हल्का आंच पे इसको हल्के हल्के आप चलाते रहें, ठीक है। तो ये जिस तरीके से मुझे चाहिए वैसा बन चुका है। अब इसके अंदर जाएगा चावल,
ये चावल अगर आपके पास बासी कल का बचा हुआ है आप वो यूज़ कर लें, अगर नहीं बचा हुआ है तो आप फ्रेश ताज़ा ताज़ा बना सकते हैं। तो ये चावल को मैं इसमें शुमार करूँगा, इसमें मिला दूँगा। ठीक है, हमारे देसी चाइनीज़ ट्रिपल शेजवान राइस का जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है चिंग्स का वेज हक्का नूडल्स। इसको मैंने पहले से ही बॉईल कर रखा है और इसमें तेल डाल रखा है। तेल से क्या होता है कि ये जो नूडल्स हैं वो आपस में चपकते नहीं हैं, बिल्कुल फरारे होते हैं। जब आप खाएंगे तो आप अलग अलग नूडल्स की स्ट्रिंग्स जो हैं वो दिख सकते हैं। इसको भी मैं डालूँगा अपने चावल के अंदर। इसके बाद इसमें मैं मिलाऊँगा 2 बड़े चम्मच चिंग्स का शेजवान चटनी, और इसके डालने के बाद सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। अब ये सब चीज़ें मिलानी भी हैं, इनको बहुत ही हल्के हाथों से मिलाना है ताकि जो चावल है या फिर आपका जो हक्का नूडल्स है वो टूट ना जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा चावल और चाउमीन का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, वो बिल्कुल तैयार है। गैस करते हैं बंद इसके लिए हम और साइड करते हैं। हमारे पास ये जो हक्का नूडल्स थे हमने थोड़े से इसको बचा लिए थे, तो इस हक्का नूडल्स पे आप उसको फैलाएं अपने प्लेट पे और इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च डालें। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से मिला लें। जब एक बार ये हो जाए तो इसको आप तेल गर्म कर रखा है आपने उसमें धीरे धीरे छोड़ दें। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका रंग सुनहरा होने लगा है। अब इसको भी निकाले टिश्यू पेपर पे। मैंने एक काली रंग की प्लेट ली है और साथ में एक छोटी सी कटोरी है जिसमें कि जो हमारा वेज मंचूरियन है उसकी ग्रेवी जाएगी। ठीक है, इसको ये देखिए, इसका रंग देखिए, और जो मंचूरियन बॉल्स हमने रेडी किए थे उसको डालें उसके ऊपर से, इसके ऊपर इसकी ग्रेवी जाएगी। इसको इस छोटे से कटोरी में डालते हैं कि अगर जिसको ज़्यादा खाने का मन हो वो थोड़ा और लेके खाए। ये जो हमने अभी अभी अपने हक्का नूडल्स तले थे उसको इसके ऊपर डाल दीजिए हल्का सा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सागा प्याज ताकि हल्की सी ताजगी इसमें आए, और आपका देसी चाइनीज़ ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आई लव देसी चाइनीज़।